हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, कल इंस्टाग्राम के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया जो मैं मुझे ध्यान में नहीं था कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। वो ये है कि अगर आप लोग यूएई ट्रैवल करते हैं तो क्या ट्रैवल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों मैंडेटरी है कि नहीं है। तो आज इस वीडियो में उसी से रिलेटेड बात करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, हम दो तरीके के वीजे में यूएई में आते हैं। फर्स्ट है विजिट वीजा और सेकंड है यहाँ का रेसिडेंस वीजा। तो अगर आप विजिट वीजा में आ रहे हैं तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है। यहाँ पे उसने, मतलब एक भाई ने मुझे मैसेज किया था, उसने ये बोला था कि उन्होंने कहीं टिकटॉक पे एक वीडियो देखी है किसी की, उसमें ये बताया गया है कि आप अगर यूएई आ रहे हैं तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी लीजिए। तो देखिए, मैं ये बता दूं कि अगर आप विजिट वीजा में ट्रैवल कर रहे हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपका वो मैंडेटरी नहीं है। आपको ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात उन्होंने इसीलिए की है, यहाँ पे भी बहुत लोग बोलते हैं वो इसलिए कि अगर आप विजिट वीजा में आते हैं और मेडिकल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो फिर आपको ट्रीटमेंट तो यहाँ पे करवाना पड़ेगा। तो अगर आपका इंश्योरेंस वो ट्रीटमेंट कवर करती है तो फिर आपके उतने पैसे खर्चा नहीं होंगे, आपको तुरंत आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं, यहाँ के क्लिनिक्स में जा सकते हैं, आपको तुरंत कवर किया जाएगा। लेकिन आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मेडिकल से रिलेटेड यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर आप लोग यूएई आते हैं तो आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें, उससे आपका खर्चा भी बच जाएगा और छोटे मोटे जो बीमारियां अगर आपको इस बीच में होती है तो उसके ट्रीटमेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो आपके इंश्योरेंस कवर करते हैं। तो ये है इससे रिलेटेड। अगर आप वर्क वीजा में आ रहे हैं तो फिर आपका यहाँ पे आने के बाद मेडिकल वगैरह सारी चीजें होती है, वीजा वगैरह लग जाता है, उसमें कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस देती है, आपको खुद को कराने की जरूरत नहीं है। वैसे प्राइवेट भी बहुत लोग लेते हैं स्पेशली फैमिलीज वगैरह के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो एज पर यूएई लेबर लॉ आपको आपकी कंपनी जो है हेल्थ इंश्योरेंस देती है। तो ये दोनों चीजों में फर्क है। तो देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है कि उसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए जो आजकल अगर आप विजिट वीजा लेते हैं तो उसके साथ ही आपको मिलता है। आप कहीं भी अप्लाई करते हैं, मेक माई ट्रिप हो गया, एमिरेट्स ऑनलाइन वीजा हो गया, किसी भी वेबसाइट से या किसी बड़े एजेंट्स के पास आप अगर जाएंगे तो वो लोग खुद बता देंगे कि अभी यूएई का अगर विजिट वीजा आप ले रहे हैं तो उसके साथ आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है। बट बेटर है कि ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लीजिए ताकि यहाँ आने के बाद आपको हेल्थ रिलेटेड या मेडिकल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबको हेल्प हुई होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।